माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा हुई है। नॉर्थ ईस्ट को कितने दशकों तक इंतजार करना पड़ा। वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने का सामर्थ्य इतनी सिटी नहीं है और इसलिए राजनीतिक तराजू से जब निर्णय होते रहे तो हमेशा ही वो क्षेत्र उपेक्षित रहा। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट वोट के तराजू से तोलने वाला क्षेत्र नहीं है। भारत की एकता और अखंडता के साथ दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए भारत के नागरिकों के लिए और उनके सामर्थ्य का भारत के विकास के लिए उपयुक्त उपयोग हो, शक्ति उनकी काम आए, देश को आगे बढ़ाने में काम आए, इस श्रद्धा के साथ, वहां के एक एक नागरिक के प्रति अपार विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहा है। और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष जो कभी उनको दिल्ली दूर लगती थी, आज दिल्ली उनके दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई। लगातार मंत्री नॉर्थ ईस्ट में दौरा करते रहे, रात रात वहां रुकते रहे, छोटे छोटे इलाके में जाते रहे, टियर 2 टियर 3 छोटे तीसरे स्थानों पर गए, लोगों से संवाद किया, मिला विश्वास का वातावरण पैदा किया और विकास के जो आवश्यकताएं होती जो 21वीं सदी से जुड़ी हुई है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रेल पहुंचाने की बात हो, चाहे हवाई अड्डे बनाने की बात हो, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब चीजों को हमने करने का प्रयास किया और वो विश्वास कितना बड़ा परिणाम देता है जो इस सरकार के कार्यकाल में देखा जा रहा है। यहां पर ये बोर्डों की चर्चा आई और ये कहां गया, ये कोई पहली बार हुआ है? हमने भी कभी ये नहीं कहा कि पहली बार हुआ है, हम तो यही कह रहे हैं प्रयोग तो बहुत हुए हैं और अभी भी प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ राजनीतिक तराजू से लेखा जोखा करके किया गया, जो भी किया गया आधे अधूरे मन से किया गया, जो भी किया गया एक प्रकार से खानापूर्ति की गई और उसके कारण समझौते कागज पे तो हो गए, फोटो भी छप गई, वाहवाही भी हो गई, बड़े गौरव के साथ आज भी उसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन कागज पे किए गए समझौतों से इतने सालों के बाद भी बोडो समस्या का समाधान नहीं हुआ। 4000 से ज्यादा निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए, अनेक प्रकार की एक्सटॉर्शन, 50 प्रकार की बीमारियां समाज जीवन को जो संकट में डाले ऐसी होती चली गई। इस बार जो समझौता हुआ है वो एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और देश में आर्म्स और हिंसा में विश्वास करने वालों के लिए एक संदेश देने वाली घटनाएं हैं। ये ठीक है कि हमारी जरा वो इकोसिस्टम नहीं है ताकि हमारी बात बार बार उजागर हो, फैले, लेकिन हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार के समझौते की एक विशेषता है, सभी हथियारी ग्रुप एक साथ आए हैं, सारे हथियार और सारे अंडरग्राउंड लोग सरेंडर किए हैं और दूसरा उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी मांग बाकी नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे सूरत तो पहले उगता है लेकिन सुबह नहीं आती थी, सूरत तो आ जाता था
अंधेरा नहीं छटता था। आज मैं कह सकता हूं नई सुबह भी आई है, नया सवेरा भी आया है, नया उजाला भी आया है। और वो प्रकाश जब आप अपने चश्मे बदलोगे तब दिखाई देगा।